स्वागत तो करो हमारा। नमस्कार फैमिली, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी मनोकामना के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाय 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 बाय। हेलो, राम राम बोलो, जय बोलो, जय जय, जाऊं मैं, बाय 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 बाय। हाथ जोड़ दे, बुला ले पापा ने, बुला ले पापा ने, बुला ले, बुलाइए ताली बजा दे, ताली बजा, ताली बजा, फिर चल। आप सब देख के समझ ही चुके होंगे कि ये मेरा फैमिली व्लॉग है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है और ये है सेकंड पार्ट, जिसमें मेरे माँ पापा और फैमिली मेम्बर्स से सबसे मिलवाऊंगी। तो देखना होगा, इंटरेस्टिंग, लास्ट तक जुड़े रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिर मनावा नी मैं खुद तोर सुमुड़ जावा, उन्नी मैं रज रजे जिर मनावा नी मैं खुद तोर सुमुड़ जावा। कल्ले पेड़ च बैठी तेरी पेड़ ले बैठी, रुसिया राम जावे मेरा मैं भी कम न हटी। कल्ले पेड़ च बैठी ये है मेरे पापा जी, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में सामने आए हैं और ये कर रहे हैं अपने होके की साफ सफाई। हो रही है हमारी भैंसों की साफ सफाई। ये हमारी भैंस देखो डायरेक्ट पाइप से ही पानी पीती है, इतने नखरे करती है कि झूठा पानी नहीं पिएगी। अगर किसी दूसरी भैंस ने पानी अगर पहले पी लिया ना तो ये पीती नहीं है, बहुत नखरे करती है। ये है मेरी मम्मी जो बना रहे हैं चूल्हे पे खाना। सुबह सुबह चूल्हे की रोटियां बहुत टेस्टी लगती हैं, तो सुबह चूल्हे पे ही बनाया जाता है खाना। और आप सबका भी स्वागत है, आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। हमारे घर में दो किचन है, एक किचन ये है जो घर के बाहर बनाया गया है ताकि यहाँ से धुआं बाहर निकलता रहे और किचन काली ना हो और चूल्हे पे रोटियाँ बनाई जा सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ से धुआं बाहर निकल सकता है। और धुआं बाहर निकलने का एक रास्ता और भी है, यहाँ से देखो पूरा प्रबंध किया गया है ताकि धुआं ऊपर की ऊपर निकलता रहे। और एक किचन है हमारा जो घर के अंदर है, जो भी दिखाऊँगी आपको। ये है मेरे भाई का बेटा जो दादे के हाथ की गर्मा गर्म रोटियां खा रहा है बैठ के। और ये मैं हूँ, मैंने सोचा चलो अपनी भी एक क्लिप डाल देती हूँ रोटी बनाते हुए। मैंने मम्मी को बोला कि आप हट जाओ एक बार थोड़ी देर के लिए, मैं बना देती हूँ रोटियाँ। मम्मी बोली अच्छा वीडियो बनाने के लिए रोटी बना रही है। तो मम्मी ही बनाती हैं वैसे सुबह हमारी रोटियाँ चूल्हे पे। और ये देखिए कितनी फूली फूली रोटियाँ आई हैं जो मैंने बनाई हैं। और अब इन पे मक्खन लगा के खाने का मज़ा ही कुछ और है, आप भी ट्राई करिएगा। ये है मेरे बड़े भाई का पोता जो कि अपने चाचू की गोद में बैठ के खा रहा है खीर बड़े मज़े से, साथ साथ बोल से खेलता है और साथ साथ खीर भी खा रहा है बैठ के। जा, 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 जा,
ये कर रहा है फुल मस्ती, और ये है पापा की सवारी अब कहीं जाने के लिए रेडी। ये है देवांश, चाचू के पेट पे बैठ के कर रहा है मस्ती। डुग्गू सा इधर देखो, डुग्गू बुग्गू है हो सवारी है और क्या होती है, बैठा रहा ना चुपचाप नीचे। आजा रे आजा, ऊपर भी देख ले, ऊपर भी देख ले तू, नीचे नीचे सा ध्यान लगा रहा तू। डिब्बू दिशा है, दिशा तक आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में हंसी खुशी के साथ। जब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।